हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको अगर एक बार यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिए हो तो उसको दोबारा डिलीट नहीं करना चाहिए, इससे आपको बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ सकता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले, तो वीडियो अंत तक ध्यान से देखना, वरना आप समझ सकते हो चैनल के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने YouTube पे एक वीडियो अपलोड की, ठीक है। वीडियो अपलोड करने के बाद वीडियो पे बहुत सारे व्यूज आ गए, लाइक्स आ गए, कमेंट्स आ गए। उस वीडियो के द्वारा आपके चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइबर भी मिला, लेकिन थोड़े देर के बाद आपको पता चलता है इस वीडियो में मैंने सही से टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं किया है, या फिर सही तरीके से बोला नहीं है, कम्युनिकेट नहीं किया है। फिर आपको डर लगता है कि कहीं आपके सब्सक्राइबर आपके चैनल को अनसब्सक्राइब ना कर दे, फिर आप उस वीडियो को डिलीट कर देते हो। इससे बहुत ज़्यादा घाटा होता है। मैं आपको क्या बताता हूँ क्या घाटा हो सकता है। मान लो आपने एक वीडियो को डिलीट किया, उसके डिलीट करने के बाद उस वीडियो पे जितना व्यूज़ है उस व्यू आपका चैनल से डिक्रीज हो जाएगा उतना व्यूज़, और वॉच टाइम उस वीडियो से जितना है वो वॉच टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस आपको सहना पड़ सकता है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको मोनेटाइज में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वीडियो को डिलीट मत करना। दूसरा क्या होता है कि दूसरा लॉस है कि आपका वीडियो जल्दी रैंक नहीं हो पाया अगर आप ज़्यादा वीडियो डिलीट करते हो, और वो वीडियो जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा घाटा होता है कि आपका वीडियो जल्दी रैंक नहीं हो पाता है, आपका वीडियो रैंक होने में दिक्कत होता है। तो इससे अच्छा तरीका, वीडियो डिलीट करने से अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप वीडियो को प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड मोड पे कर दो। उससे क्या होगा कि आप सिर्फ वीडियो सिर्फ आप देख पाओगे, तो उससे क्या होगा कि आपके सब्सक्राइबर भी उस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, आपको कोई डर भी नहीं लगेगा। सो डिलीट करने से अच्छा तरीका आप उसे प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड मोड में डाल दो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको पसंद आया तो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।